मित्रों, ये कहानी बुद्ध की नहीं है, ये कहानी बुद्ध होने से पहले की है। यह सिद्धार्थ गौतम की बहुत ही प्रेरक कहानी है। इस कहानी से सिद्धार्थ को प्रेरणा मिली थी अपने सत्य की खोज में लगे रहने की। ये कहानी उस समय की है जब सिद्धार्थ गौतम तपस्वी का जीवन जी रहे थे, तब वे बुद्ध नहीं हुए थे। वे जंगलों में भटककर बहुत ही कष्टपूर्ण त्याग और तपस्या का जीवन जी रहे थे। उन्हें शांति तो थी, पर अंदर ही अंदर वे बहुत निराश थे, क्योंकि उन्हें अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए वे तड़प रहे थे। वे इतने निराश हो गए थे, एक बार उनके मन में विचार भी आया कि अब इस ज्ञान की खोज को छोड़ दूं। यहाँ तक कि इस जीवन को त्याग देने का भी विचार आया। उन्हें अपना जीवन बंजर, दिशाहीन और दुखों और अज्ञानता से घिरा हुआ लग रहा था। ऐसे ही विचार से घिरे, उदास और अवसाद से ग्रस्त सिद्धार्थ गौतम को बड़ी प्यास लगी। वे पास ही एक छोटी झील के नज़दीक गए, अपनी प्यास बुझाई और वहीं उदास से बैठ गए। उन्होंने अपने पैरों को पानी में डुबोया, जिससे उन्हें ठंडक की प्रतीति हुई और थोड़ा अच्छा लगा। तभी उन्हें पानी में छपाक छपाक की आवाज़ आने लगी। हर थोड़ी देर में उन्होंने उस तरफ देखा जिधर से आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक गिलहरी पानी में छलांग लगाती है और फिर बाहर आकर अपने शरीर में चिपके पानी को झड़ा देती है। वह ऐसा बार बार लगातार करते जा रही थी। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी अंतर्दृष्टि से, अंतर्ज्ञान से पता लगाया कि उस गिलहरी के दो नन्हे बच्चे उस झील में डूब गए थे और वह मादा गिलहरी उस झील के पानी को खाली करने की कोशिश कर रही थी, अपने शरीर को पानी में डुबा करके और बाहर आकर पानी को झटक कर अपने शरीर से अलग करते हुए, जिससे वह अपने डूबे हुए बच्चों को निकाल सके। वह मादा गिलहरी ऐसा घंटों तक कर रही थी। इस दृश्य ने सिद्धार्थ गौतम को हिला कर रख दिया था। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ के निराश मन मस्तिष्क में एक बिजली सी चमक उठी। वे उस गिलहरी के अपने बच्चों को बचाने के लिए कर रही कोशिश में दृढ़ता और परिश्रम के प्रदर्शन से अति प्रेरित हुए थे। सिद्धार्थ ने सोचा कि इस गिलहरी की कोशिश 100% नाकाम होने वाली है, क्योंकि झील में से कुछ बूंद को निकालने का कोई लाभ नहीं था। लेकिन उसकी दृढ़ता सिद्धार्थ गौतम के दिल को छू गई। उसी क्षण उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने सत्य और ज्ञान की खोज में दृढ़ता से लगे रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम को सत्य को पाने के लिए किए गए कष्टपूर्ण त्याग से जब कोई लाभ नहीं हुआ, तो उन्होंने उस पथ को छोड़ दिया और दृढ़ता के साथ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठ गए। और जब उन्होंने अपनी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा को भी त्याग दिया, तभी चमत्कार हुआ। जब उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया, न कुछ पाना है और न कुछ त्यागना है, अपने दिमाग में चल रहे विचारों को भी छोड़ दिया, तब वे निर्विचार या शून्यता को उपलब्ध हुए, अपने अंदर अनंत को प्राप्त हुए, उन्हें पूर्णता का आभास हुआ और वे बुद्ध हो गए। सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध का सफर पूरा हुआ।